हेलो, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे मार्च फैब बैग के अंदर मुझे क्या क्या मिला है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक फैब बैग का वीडियो शूट किया था इंग्लिश में, जो मैंने अपलोड किया हुआ है, और ये मेरा दूसरा फैब बैग है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे हिंदी में रिकॉर्ड करूँ। अगर आपको मेरा हिंदी वीडियो अच्छा लगा और आप ज़्यादा हिंदी के वीडियोज़ देखना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी से इसके खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो ये है मेरा फैब बैग मार्च का। ये ऑरेंजिश ब्राउन कलर में है और लेदर जैसा मटेरियल है। ऑफ कोर्स ये रियल लेदर नहीं है, ये सिंथेटिक लेदर जैसा कोई मटेरियल है, PU मटेरियल। एंड इसमें स्क्वायर स्क्वायर टेक्सचर बना हुआ है। सो ये सब चीज़ें मुझे मिली है, जो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। जो पहला प्रोडक्ट था वो है मैकफिन का नीम कैफीन फेस वॉश विथ एलोवेरा एंड टॉरिन। ये फेस एनर्जाइज़र है जो 50 ml का है। ये एक फेस वॉश है और ये पैराबेन फ्री भी है। इसका कॉस्ट हम अपने लीफलेट में देखेंगे। ये डीलक्स सैम्पल साइज़ है। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है सिडक्शन लास वेगास का एक लिपस्टिक। इसका शेड हमें चूज़ करने का ऑप्शन मिला था। यहाँ पे उसकी एक्सपायरी और पैकिंग डेट लिखी हुई है। मैं आपको खोल के इसका कलर दिखाती हूँ। पैकेजिंग सिंपल सा है, ब्लैक कलर में कंपनी का नाम लिखा हुआ है और ये है कलर। ये एक्चुअली रेड टाइप का दिख रहा है, बट इसका शेड नाम पिंक कलर में था। ये 13 शेड है और इसका नाम कुछ पिंक में था, तो मैं इसको स्वॉच करके देखूंगी कि ये रेड आ रहा है या पिंक। मेरे ख्याल से ये कलर रेड और पिंक के बीचों बीच है। ये ज़्यादा लाइट कलर का पिंक नहीं है, बट ये बहुत ही प्यारा पिंक है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे इस टाइप के पिंक कलर्स बहुत पसंद है। ये रेड ज़रूर नहीं है, बट ये पिंक रेडिश पिंक है और मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगा। इवन जो मेरा पिछले फैब बैग में न्यूड कलर आया था उससे भी ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा। तो ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट है। उसके बाद मुझे मिला है ये चरक कंपनी का मोहा हर्बल शावर जेल, जिसमें है एलो, टी ट्री, नीम और ऑरेंज। ये आपके नहाने के टाइम के एक शावर जेल है और ये फिर से एक डीलक्स साइज सैंपल है 30 ml का। फिर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो आयोरमा का है और ये है एक सन ब्लॉक या सनस्क्रीन, जिसमें SPF 40 है। ये 10 ग्राम का एक सैंपल है और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये वाइट कलर का नहीं है, सफ़ेद नहीं है। इसमें थोड़ा सा फाउंडेशन जैसा टिंट है जिसको हल्का सा कलर देता है। फिर जो मुझे नेक्स्ट प्रोडक्ट मिला है वो शुगर का टिप टक टो नेल लैक्वर क्लासिक में है। ये एक नेल पॉलिश है जो शुगर ने अभी अभी मार्च में लॉन्च किया है और इनफैक्ट जो मैंने नेल पॉलिश लगाई है ये भी शुगर की है, जो मेरे मार्च के फैब बैग में मुझे मिली थी। ये शेड नंबर 15 है, स्टील द स्लेट ऐसा कुछ नाम था, और इस ये शेड नंबर 16 है जिसका नाम है कोरल कंपास। ये बहुत ही प्यारा शेड है, एक बहुत प्यारा पीच जैसा कलर है, ना ये ऑरेंज है ना ये पिंक है, बहुत ही प्यारा क्रीमी पीच कलर है। तो मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा और ये समर के लिए बहुत ही एप्ट है। ऐसे कलर्स समर्स में यूज़ करना मैं बहुत पसंद करती हूँ, फ्लोरल कलर्स। फिर जो मेरा लास्ट प्रोडक्ट है वो है क्रोनोकेयर का फ्लावर पावर फेस टोनर। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और ये पैराबेन सिलिकॉन एंड फ्रेग्रेंस फ्री है और ये 55 ml का है। सो ये सारी चीज़ें थी मेरे फैब बैग में। एक्चुअली इसमें से सिर्फ ये प्रोडक्ट अलग है, बाकी इसकी सारी चीज़ें मेरे पहले फैब बैग मार्च में भी सेम थी, जो मैंने इंग्लिश में शूट किया था। ये लिपस्टिक का कलर मैंने अलग चूज़ किया था खुद ही, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं एक ही कंपनी का एक ही शेड दो दो नहीं चाहूँगी अपने लिए,
तो मैंने अलग कलर चूज़ किया था और मुझे नेल पॉलिश का एक अलग कलर आया है। तो हम लोग जल्दी से इनके प्राइसेस भी देख लेते हैं। ये माय फैब बैग कॉन्टेस्ट है जिसमें कि आपको फोटो लेके हैशटैग इन माय फैब बैग लिख के पोस्ट करना रहता है और अगर आप जीतेंगे तो आपको एक सिटी कलर वी मैट लिपस्टिक मिलेगा जेनी शेप में। तो ये हमारा लीफलेट, इस महीने का एडिशन है गो गेट इट गर्ल। और जो लिपस्टिक हमें मिला है, यस ये देखिए, इसका नाम है स्लीपिंग ब्यूटी। तो ये देख के मैंने सोचा था कि ये पिंक कलर का होगा, तो स्लीपिंग ब्यूटी की जगह उन्होंने स्लीपिंग ब्यूटी बनाया है। प्राइस है 180 रुपीज़। उसके बाद जो शुगर का नेल पॉलिश है वो 199 रुपीज़ का है। जो टोनर हमें मिला है क्रोनो केयर का, वो 295 रुपीज़ का है। जो शावर जेल मिला है वो 105 रुपीज़ का है 100 ml, और हमें आई गेस 30 ml का सैंपल मिला है। जी हाँ, हमें 30 ml का सैंपल मिला है। और जो सनस्क्रीन है वो 50 ml के लिए 350 रुपये है और हमें 10 ग्राम का सैंपल मिला है। और जो फेस वॉश है मैकफीन का, वो 150 ml के लिए 450 रुपये है और हमें सिर्फ 50 ml का एक सैंपल मिला है। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे फैब बैग में मार्च के। मुझे इस बार का फैब बैग ज़रूर अच्छा लगा क्योंकि मुझे एक लिपस्टिक मिली है और एक टोनर मिला है। और मुझे इनफैक्ट इतना अच्छा लगा कि आप जानते हैं कि मैंने दो दो फैब बैग लिए हैं। अगर आपको भी मेरा फैब बैग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और बताइए कि आपको ये लिपस्टिक कैसा लगा, आपको ये ज़्यादा पसंद आया या दूसरा वाला शेड जो मैंने चूज़ किया था इंग्लिश वाले वीडियो में। अगर आपको मेरी हिंदी पसंद नहीं आई तो माफ़ कर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शंस में। इसके लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बाय।